नमस्कार, मैं मनदीप कर और आप देख रही है यमुनानगर सिटी न्यूज। यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के विश्वकर्मा चौक से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी व्यस्तम रोड है, जहां पर हर समय चहल पहल रहती है। और आपको हैरान करने वाली एक खबर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, बताना चाहेंगे। एक ट्रक चालक की लापरवाही का क्या नतीजा है, ये आप लोग देख सकते हैं। एक ट्रक चालक की लापरवाही की कितनी बड़ी जो मतलब कितना बड़ा जो है लापरवाही का जो मामला है सामने आ रहा है। तस्वीरें इस समय की देखकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। बीती रात 12 बजे के समय आप देख सकते हैं ट्रक बेकाबू होने के कारण, ट्रक चालक की लापरवाही के कारण किस तरह से मल्होत्रा मेडिकल हॉल की शॉप में किस तरह से नुकसान हो जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ट्रक है पूरी तरह से पलटी मार चुका है मेडिकल हॉल के बिल्कुल अंदर के तरफ। जो है ट्रक जो है अंदर की तरफ गया हुआ है, आप देख सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, यहाँ पर जान तो बच गई लेकिन नुकसान काफी हुआ है। इस समय की आपको तस्वीरें विश्वकर्मा चौक से दिखा रहे हैं। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, हैरान करने वाला जो है मामला है वो सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं जो ट्रक है, ट्रक भी जो है पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है। रात के 10 बजे के समय जो मेडिकल हॉल वाला मालिक अपनी शॉप यहां से बढ़ाकर वापस अपने घर जब जाता है, क्योंकि घर भी बिल्कुल पीछे ही है, बताना चाहेंगे मालिक की जो रैश है वो बिल्कुल इस मेडिकल हॉल के बिल्कुल बैक साइड है। लेकिन रात के समय जब 12 बजे के करीब ट्रक चालक की लापरवाही का नतीजा जब सामने आता है तो एक आहट होती है। आहट सुनकर मालिक जब बाहर आता है तो क्या देखता है कि मेडिकल हॉल पर किस तरह से नुकसान हो गया, जान तो बच गई, यही समझिए कि जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन मेडिकल हॉल का तो काफी नुकसान हुआ है। इस समय की तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रक बेकाबू होने का कारण क्या था, ट्रक चालक नशे में था और क्या कुछ मामला सामने आता है, इनका सवाल भी आप लोग जरूर जानना चाहेंगे। तो पूरा मामला जानने के लिए मल्होत्रा मेडिकल हॉल के जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार पूरी बात के ऊपर यही विचार डालेंगे कि क्या था सारा मामला। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी लापरवाही है ये? बहुत बड़ी लापरवाही है ये। 12 बजे के करीब यहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तब मैं ऊपर से आया हूँ अपने घर से, देखा तो ये सब मतलब कि इतना डिसमेंटल हुआ था और अंदर भी शॉप में बहुत नुकसान हुआ है। तो बस अब पुलिस वाले भी सुबह आए थे, रात को भी PCR को फ़ोन किया था हमने, उसी टाइम गाड़ी आ गई थी। एक बंदे को वहाँ पर ये गाड़ी से मारा है इन्होंने, जिसमें एक की डेथ हो गई है, एक अभी घायल है, गाबा हॉस्पिटल में है। बाकी आगे का उन्होंने काफ़ी नुकसान हुआ है अंदर से शीशे पर। तो आपको अंदर से कैसे पता चला? टफन ग्लास लगा हुआ है, हाँ जी कैमरा है, टफन ग्लास उसमें सारा टूटा हुआ है, सारा जो सा फर्नीचर है सब डिसेबल हुआ है। तो मौके पर प्रशासन को सूचित किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। आपको कैसे पता चला ये हादसा? बहुत ही जोर से आवाज़ आई थी, काफ़ी आवाज़ आई थी, इसके कारण पता लगा। एक्सीडेंट हुआ है इसमें, एक ड्राइवर ही था बस, एक ड्राइवर थे। हाँ जी, ड्राइवर को भी नुकसान, ड्राइवर को थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं। फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने ही उसको बाहर निकाला है, तो उन्होंने ही मुझे बताया था भी पीछे ये गाड़ी कैसे एक्सीडेंट करके आया, दो मोटरसाइकिल वालों का। किस चीज़ से भरा हुआ था ये ट्रक जो था, इसमें क्या कुछ अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर, कुछ मेडिसिन भी हैं, कुछ और कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं। कितने समय से दुकान कर रहे हैं आप? मुझे हो गए 15 साल के करीब। 15 साल पहले कभी ऐसा हादसा हुआ है? नहीं, आज तक नहीं हुआ है। प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई के लिए कह रहे हैं हम मालिक से कंसर्न कर रहे हैं, मालिक अभी जो मतलब बंदा एक्सपायर हुआ है उसके पास है, कह रहे हैं हम कंपनसेशन इसका करवाएंगे, जैसे भी है मालिक के साथ बैठ के बातचीत होगी, बाकी देखते हैं इन फ्यूचर अब क्या बनता है। राकेश, तो राकेश की जो माता जी हैं वो भी हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि इनको किस समय पता चला था कि इस तरह से जो है हादसा हुआ है इनके मेडिकल हॉल पर। माता जी यहाँ खड़ी हो जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बोलिए, कितने बजे का समय था ये? 11:30-12 के करीब, 12 बजे के करीब। हाँ जी, तब आपको आहट आई इसकी? हाँ, तो धमाका सा होया एकदम, कहने लगे पता नहीं क्या हुआ, सड़क पे कोई हुआ है, हादसा हुआ एकदम। ये तो नीचे हम ये गेट से जाते हैं, ये गेट तो बंद है, निकलने की जगह नहीं है, ऊपर से छलांग मार के आया मेरा लड़का, ये जिसकी दुकान है।
देखा के आके ये बड़ा। अगर मतलब 10 बजे तक इन्होंने दुकान बढ़ा दी थी, अगर बाई चांस ये दुकान में ही होता तो कुछ भी हो सकता था। क्या होता, कुछ भी हो सकता था। परमात्मा की देन, जो शुक्र है भगवान का जो बच गया ये, बाकी नुकसान बहुत हो गया मेरा। तो तस्वीरें इस समय की आपको जिला यमुनानगर के विश्वकर्मा चौक से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ट्रक चालक वाला पहले कमानी चौक के बिल्कुल पुल के पास दो बाइक सवारी को टक्कर मारकर आता है, जिसमें से एक की तो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है और दूसरे को आगे के इलाज के लिए जिला यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उसकी हालत अभी भी गंभीर है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। पहले तो दो बाइक सवार को किस तरह से टक्कर मारी जाती है और उसके बाद ट्रक बेकाबू होने के कारण रॉन्ग साइड से आकर किस तरह से विश्वकर्मा चौक पर होत्रा मेडिकल हॉल के अंदर जाकर किस तरह से ट्रक जो है बेकाबू हो जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जान का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन मेडिकल हॉल का काफी नुकसान हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो ट्रक चालक था उसको भी काफी चोटें आई हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने ही उस ट्रक चालक को इस ट्रक में से बाहर निकाला। आपको बताना चाहेंगे जो मेडिसिन है, मेडिसिन से ही भरा हुआ ये ट्रक था जो यहाँ से जा रहा था, लेकिन रॉन्ग साइड आने की वजह से, क्योंकि वहाँ की तरफ पुलिस ने उसको पकड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुलिस के जंगलों से खुद को छुड़ा कर उन्हें घुमरा करके जब वो इधर की तरफ भाग कर आता है, अपने ट्रक की स्पीड तेज करके आता है, तो ट्रक जो है बेकाबू हो जाता है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि एक ट्रक चालक की कितनी बड़ी लापरवाही है। एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है बाइक सवार की, और दूसरा जो बाइक सवार था उसकी हालत अभी भी नाजुक है, जो जिला यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में जिसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें इस समय की लगातार आपको विश्वकर्मा चौक से दिखा रहे हैं। मेरे पेट से दोबारा मरवाना शुरू से दिन का रुख हो जाओ थोड़ी के मार लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चहल पहल वाली रोड है। हर समय इस रोड पर जो है चहल पहल रहती है, बहुत ही ज्यादा व्यस्तम रोड है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर खड़े होकर बसेस का जो है वेट करते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा चौक पर एक तरफ जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, ये हादसा हुआ है, आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल पास में ही एक बस स्टॉप है जहाँ पर लोग खड़े होकर बसेस का जो है इंतजार करते हैं। ये भी शुक्र है भगवान का कि 10 बजे मेडिकल शॉप के मालिक ने इस दुकान को भड़ा दिया था। अगर मेडिकल शॉप खुला होता और मालिक उसके अंदर ही होता तो उस समय आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मालिक के साथ क्या कुछ हादसा हो सकता था, क्योंकि पहले ही कमानी चौक के पुल के पास इस अपना ट्रक चालक ने पहले ही दो बाइक सवार को किस तरह से टक्कर मारी थी, जिसमें से एक की तो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, लेकिन दूसरे की हालत इतनी नाजुक थी कि उसे जिला यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया था। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ है विश्वकर्मा चौक पर। आप देख सकते हैं मिस्टर पिज्जा वालों की शॉप है, उनका भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, और जो मल्होत्रा मेडिकल हॉल है इसका तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं देखकर कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। तस्वीरें इस समय की लगातार आपको जिला यमुनानगर के विश्वकर्मा चौक से दिखा रहे हैं। मौके पर आप देख सकते हैं प्रशासन भी जो है कार्रवाई करने के लिए एक बार फिर से यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हर दिन किस तरह से एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं, और आज एक बार फिर से विश्वकर्मा चौक पर यह हादसा हुआ है, लेकिन बीती रात यह हादसा हुआ है पता अभी चला है इस बात का। तो आगे के लिए प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा है, एक बार इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पोस्टमार्टम करवाने जा रहे, एक बंदा मर गया था जी। हाँ जी, पोस्टमार्टम करवाने जा रहे, आईओ साहब अजय राणा जी हैं आईओएस के, और वहाँ पर जा रहे हो आगे, मैंने कोई पता नहीं इसके बारे में। हादसा हुआ है, कितने बजे का टाइम था ये? 12:30 करीब है। तो ये ट्रक की ओवर स्पीड थी? नहीं, इसके बारे में कह नहीं सकता कुछ भी, इसके बारे में था नहीं मौका। अभी तफ्तीश नहीं की गई है सर? नहीं हो रही है कार्रवाई, पर्चा दर्ज हो गया। जैसे कि मालिक से बात करने पर पता चला कि पहले कमानी चौक पुल पर इसने दो बाइक सवार को टक्कर भी दी थी, वो पता आईओ ने पता होगा जी, इसके बारे में उन्होंने पता नहीं। नहीं नहीं, आप मौके पर अभी पहुंचे? हां जी। नहीं, मैं और हूं, सुबह के बैठे हैं। सर आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? पर्चा दर्ज हो गया इसके बारे में और कार्रवाई चल रही है। मालिक भी अलग रहा इसके गाड़ी के बारे में। ट्रक किस चीज से भरा हुआ था? ये दवाइयों का ट्रक है। दवाइयों का ट्रक? हां जी। कितनों को चोटें लगी हैं सर? चोट लगे दो को। दो को? एक बंदा मर गया। एक की तो डेथ? हां, ये पटेनगर का था जी। अक्सर आपने एक्सीडेंट वाले मामले तो सुने ही होंगे, लेकिन एक और हैरान करने वाला मामला आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। लोकेशन इस समय की आपको बताना चाहेंगे
जिला यमुनानगर के विश्वकर्मा चौक पर हम लोग पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं हर समय चहल पहल वाली व्यस्तम रोड है, जहां पर चौक के जो दूसरी तरफ है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, यहां पर जो लोग हैं खड़े होकर बसेस का जो है इंतजार करते हैं। लेकिन आप एक तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से मल्होत्रा मेडिकल हॉल पर ट्रक बेकाबू होने के कारण, ट्रक चालक की लापरवाही के कारण कितना नुकसान हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भगवान का शुक्र है कि जान बच गई। लेकिन जो मेडिकल हॉल है, मेडिकल हॉल का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, बीती रात 10 बजे का समय था जब मालिक जो है अपना मेडिकल हॉल को जो है भड़ाकर अपने घर जाते हैं और मेडिकल हॉल के बिल्कुल बैक साइड मालिक का घर है। लेकिन 12 बजे के करीब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मालिक को जब अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा आहट सुनने की आवाज़ आती है, कुछ खड़खड़ा सा होता है, तो उस समय मालिक जब बाहर आता है तो क्या देखता है कि एक ट्रक चालक की लापरवाही के कारण, किस तरह से ट्रक बेकाबू होने के कारण मेडिकल शॉप के अंदर की तरफ चला जाता है। तस्वीरें देखकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है मेडिकल हॉल का। आप देख सकते हैं ट्रक जो है पूरी तरह से पलटी मार चुका है। इस समय की तस्वीरें लगातार आपको विश्वकर्मा चौक से दिखाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं एक ट्रक चालक की कितनी बड़ी लापरवाही का नतीजा सामने आया है। कमानी चौक के पुल के पास पहले तो उसने एक बाइक के ऊपर दो सवार युवकों को टक्कर मारी थी, जिसपे ऑन द स्पॉट एक की तो मौत हो जाती है, लेकिन दूसरे को आगे के इलाज के लिए जिला यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो आगे के लिए अभी उसकी हालत जो है काफ़ी नाजुक है। पुलिस प्रशासन भी आगे की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।